क्या आप जानते हैं कि सेना में सबसे कठोरतम दंड क्या है? आपने सुना होगा कि सेना में अगर कोई भी गलती करता है किसी आदेश को लेके या किसी भी डिसिप्लिन को तोड़ता है तो उसे सजा दी जाती है। और आपको पता ही होगा कि सेना के नियम बहुत ही कठोर और सख्त माने जाते हैं, और यह बात सही भी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सेना में सबसे कठोरतम दंड क्या है? भारतीय सेना में सबसे कठोर सजा है मृत्युदंड यानी मौत। युद्ध के दौरान अगर कोई जवान अपने कर्तव्य से भाग जाता है या आदेशों का पालन नहीं करता है तो बटालियन या कमांडिंग अफसर, जो कर्नल का पद होता है, मौत की सजा भी दे सकता है। अगर कोई सैनिक आदेशों का पालन नहीं करता है तो सेना की कार्यवाही के अनुसार उसके द्वारा आरोपित किया जाएगा और अधीनता के मामले में उच्चतम सजा कोर्ट मार्शल के बाद सेवा से बाहर कर दिया जाएगा। भारतीय दंड न्यायालय के तहत सिपाही को दीवानी न्यायालय द्वारा दंडित किया जा सकता है। मैं इस तथ्य को उजागर करना चाहूँगा कि रक्षा सेवा विनियमन और सैन्य कानून वास्तविक हैं और देश की संसद द्वारा पारित किए जाते हैं। कोई भी व्यक्ति जो रक्षा सेवा विनियमन और सैन्य कानून के अधीन है उसे सैन्य अनुशासन का पालन करना होगा। भारतीय न्यायिक प्रणाली की तरह सेना ने भी न्याय देने के लिए एक्ट और लेख बनाए गए हैं। भारत में केवल दो सेवा अधिकारियों के पास न्यायिक शक्तियाँ हैं, नंबर एक न्यायिक जज, नंबर दो सशस्त्र बल के अधिकारी। कोई अन्य सेवा न्यायिक शक्तियों का प्रयोग नहीं करती है और ये दो तरह के अधिकारी अपनी आधिकारिक क्षमता के तहत सजा दे सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।